सातवीं के सामान्य विज्ञान के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 15 हमारे उपयोगी पदार्थ, इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर, इसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। रिक्त स्थानों में योग्य शब्द लिखिए। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सफेद सीमेंट, साबुन, अपमार्जक, अस्थियों की क्षति, दंत क्षय, कठोर, मृदु, पोर्टलैंड, तैलाम्ल, स्निग्ध अम्ल। इसमें से हमें उत्तर ढूंढ के लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। पदार्थ के पृष्ठ भाग से मैल हटाने के लिए पानी की सहायता करने वाले पदार्थ को डैश कहते हैं। यहाँ पे उत्तर आएगा बच्चों, अपमार्जक। दूसरा प्रश्न क्या है, डैश रोकने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर दंत क्षय, दंत के जो क्षय है उसको रोकने के लिए। तीसरा है, साबुन डैश और डैश का, साबुन डैश और सोडियम का लवण होता है, तो साबुन तेलाम्ल और सोडियम का लवण होता है, तो यहाँ उत्तर आएगा तेलाम्ल। अगला है, संश्लेषित अपमार्जकों का डैश पानी में भी उपयोग किया जाता है, तो बच्चों क्या आएगा, कठोर। अगला है, निर्माण कार्य के लिए डैश सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या आएगा बच्चों, इसका उत्तर पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपमार्जकों का इस्तेमाल करने से मैले कपड़े कैसे स्वच्छ होते हैं, उत्तर क्या आएगा बच्चों, देखिए। अपमार्जक का अणु उसके एक सिरे से पानी के अणु तो दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़े रखता है। इस कारण तेल के अणु पानी में मिश्रित हो जाते हैं, साबुन पूरे पानी पर सर्वत्र फैल जाता है और धोने पर मैल के साथ कपड़े से अलग हो जाता है। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्या पानी कठोर है, इसकी तुम साबुन के चूर्ण की सहायता से कैसे जांच करोगे, उत्तर देखिए बच्चों। कठोर जल में साबुन डालकर बनने वाली झाग की मात्रा द्वारा हम कठोर जल की पहचान करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा है, टूथपेस्ट के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं, उनके कार्य स्पष्ट करो। बच्चों, टूथपेस्ट के प्रमुख घटक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फास्फेट दांतों की गंदगी को दूर करते हैं। इन घटकों द्वारा ही दांतों की पॉलिश का कार्य होता है। दंत क्षय रोकने के लिए टूथपेस्ट में निश्चित अनुपात में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है और यह फ्लोराइड दांत के आवरण और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, सीमेंट के घटक कौन से हैं, उत्तर सिलिकॉन जिसे हम रेत भी कहते हैं, एल्यूमिना, चूना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ये सभी सीमेंट के घटक है। कंक्रीट में सीमेंट का उपयोग नहीं किया तो क्या होगा, कंक्रीट का मुख्य घटक सीमेंट ही है। कंक्रीट में सीमेंट यदि ना हो तो बालू, गिट्टी इत्यादि घटक उसमें पानी मिलाने पर कठोर नहीं हो सकेंगे। अतः बनाए जाने वाले वस्तु, खंबा, पाइप इत्यादि अपना आकार नहीं ले पाएंगे, अर्थात जो जो भी हम स्लैब बनाएंगे उस स्लैब में मजबूती नहीं आएगी। अगला प्रश्न क्या है, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अपमार्जकों की सूची बनाओ। बच्चों, इसमें नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, हैंड वॉश लिक्विड, शैम्पू, इसके अलावा अन्य जो भी अपमार्जक है उसका नाम हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कीमती कपड़ों के लिए उपयोग में
लाए जाने वाले अपमार्जक कैसे होना चाहिए? कीमती कपड़ों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अपमार्जक मृदु होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों? मृदु। अगला प्रश्न क्या है? पृष्ठ सक्रियता का क्या अर्थ है? विभिन्न अपमार्जकों के पृष्ठ सक्रियता के लिए उत्तरदायित्व तीन रसायन के नाम लिखिए। बच्चों, किसी पृष्ठ भाग पर आसानी से फैलने के गुणधर्म को पृष्ठ सक्रियता कहते हैं, जिसके कारण झाग बनती है। वसा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अल्कोहल ऐसे तीन प्रमुख रसायन हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर तीन, हमारे बीच क्या समानताएं हैं और अंतर? यहाँ समानताएं भी पूछा है और अंतर भी लिखना है। प्रश्न है पहला, प्राकृतिक अपमार्जक और मानव निर्मित अपमार्जक। पहले हम समानताएं लिखते हैं। दोनों का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जाता है। दोनों के द्वारा जल के प्रक्षालन क्षमता में वृद्धि की जाती है। यह हो गया समानताएं। अब हम लिखेंगे अंतर। प्राकृतिक अपमार्जक और मानव निर्मित अपमार्जक में पहला पॉइंट क्या आएगा? यह प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित यह विभिन्न रासायनिक पदार्थों द्वारा मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न पॉइंट, कपड़ों पर इनका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कपड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। साबुन और संश्लेषित अपमार्जक में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है? दोनों का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जाता है। दोनों जल की प्रक्षालन क्षमता बढ़ाते हैं। अंतर देखिए, साबुन और संश्लेषित अपमार्जक, साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पतिक तेल तथा नमक का उपयोग किया जाता है। संश्लेषित अपमार्जक बनाने के लिए वसायुक्त पदार्थ का, मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर दो देखिए, कठोर पानी के साथ इसका उपयोग करना अर्थात साबुन का अपव्यय है। इसका उपयोग कठोर पानी के साथ कर सकते। अगला प्रश्न है बच्चों, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है? समानताएं क्या है? दोनों का निर्माण वनस्पतिक तेलों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है, दोनों का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जाता है। अंतर देखिए, नहाने का साबुन और कपड़े धोने के साबुन में, इसके निर्माण में वनस्पतिक तेल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं और इसके निर्माण में वनस्पतिक तेल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। इसमें महंगे सुगंधित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसमें महंगे सुगंधित पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, आधुनिक सीमेंट और प्राचीन सीमेंट में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है? समानताएं क्या है? दोनों का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए ही किया जाता है। अंतर क्या है? इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, इसे जली सीमेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा, आधुनिक सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम होती है, प्राचीन सीमेंट की गुणवत्ता कुछ निम्न होती थी। अगला प्रश्न देखिए, कारण बताना है। कठोर जल में साबुन का उपयोग नहीं किया जा सकता। कठोर पानी में ऐसे विभिन्न लवण घुले होते हैं जो पानी में स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। साबुन का अधिक से अधिक भाग इन लवणों की कठोरता दूर करने में ही खर्च हो जाता है। इससे झाग नहीं बनती, कपड़ा साफ नहीं होता, साबुन व्यर्थ में खर्च होता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तेल पानी में मिश्रित नहीं होता परंतु पर्याप्त अपमार्जक का उपयोग करने से तेल और पानी एक रूप हो जाते हैं। अपमार्जक के लंबे अणुओं के दोनों सिरों के गुणधर्म भिन्न होते हैं। इसके अणु अधिक लंबे होते हैं
ये अणु अपने एक सिरे से पानी और दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़कर रखते हैं। इसके कारण तेल के अणु पानी में मिश्रित हो जाते हैं। अपमार्जकों के विशिष्ट गुणधर्म के कारण दोनों मिश्रित हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? संश्लेषित अपमार्जक साबुन की अपेक्षा बेहतर है। संश्लेषित अपमार्जकों का कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के पानी के साथ उपयोग किया जा सकता है। इनकी प्रक्षालन क्षमता भी तीव्र एवं उत्तम होती है। साबुन का केवल मृद जल के साथ ही उपयोग हो सकता है। साबुन की प्रक्षालन क्षमता कम होती है, इसलिए साबुन की अपेक्षा अपमार्जक बेहतर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? कपड़ा धोते समय कभी कभी कपड़ों पर रंगीन दाग निर्मित होते हैं। कभी कभी कपड़ों पर पहले से ही हल्दी या अन्य पदार्थों का पानी गिर जाता या सूख कर कपड़ों पर बना रहता है। साबुन के घटक उस भाग पर अभिक्रिया करते हैं जिससे कोई अलग रंग बनता है जो हमें दाग जैसा दिखाई देता है। बच्चों अंतिम प्रश्न क्या है देखिए। दांत स्वच्छ करने के लिए तंबाकू से बने मंजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों आप लोग देखते हैं बहुत से लोग दांत स्वच्छ करने के लिए मिश्री का उपयोग करते हैं, तंबाकू से मना होता है। ऐसा है तंबाकू के किसी भी रूप में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। तंबाकू की मिश्री का मसूड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, मुख कैंसर भी हो सकता है, मुंह का कैंसर। इसलिए दांतों को स्वच्छ करने के लिए तंबाकू की मिश्री का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों यदि आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप सभी तंबाकू के से दूर रहें। तंबाकू के मिश्री का उपयोग दांतों को स्वच्छ करने के लिए कभी न करें। तो बच्चों आज का जो कालांश है इसका समापन होता है। धन्यवाद बच्चों। बच्चों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।